Hi everyone, welcome to the Air Republic School at home, in learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, this is Mohit Kumar Singh, your AVS teacher. Now, I am going to discuss about topic name is Post Office. आज जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे अगला टॉपिक पोस्ट ऑफिस के बारे में, इसको हम लोग रीडिंग करेंगे. क्लियर? मैं इसको रीड कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, रीड कराकर जो लेसन होगा आपका 13 पेज नंबर 62, पेज नंबर होगा आपका 62, चैप्टर नेम होगा प्लेसेस और डे होगा आपका 40. क्लियर? तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे. पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं, इनमें क्या किया जाता है. अब पोस्ट ऑफिस इज अ वेरी यूजफुल प्लेस इन आवर नेबरहुड. पोस्ट ऑफिस जो होता है बच्चों, ये बहुत और बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, प्लेस होता है, जगह होता है हमारे आसपास का, हमारे पड़ोस का. क्लियर? नेक्स्ट, वी बाई स्टाम्प्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प खरीदते हैं, एनवेलप खरीदते हैं. एनवेलप मतलब जिसमें हम लोग क्या करें, लेटर को डालकर पैकेजिंग किया जा रहा हो, एंड पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं. वी कैन सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स टू आवर फ्रेंड्स रिलेटिव. हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या करते हैं, लेटर को या मनी को, पैसे को या पार्सल्स को, किसी प्रकार का पार्सल पैकेजिंग करके भेजना है अपने दोस्त को, रिलेटिव को, तो इसके थ्रू हम लोग भेजते हैं. किसके थ्रू? तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, यानी डाकघर के थ्रू. पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर. डाकघर के थ्रू बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को भेजते हैं, पोस्ट कार्ड्स को भेजते हैं, और ऑल्सो आप लोग मनी भी भेज सकते हो, मनी ऑर्डर. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक. जो अगला टॉपिक होगा मेरा, पुलिस स्टेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज पुलिस स्टेशन. बच्चों मैं पुलिस स्टेशन के बारे में ऐसे लिखवा चुका हूं, लेकिन आज जो मैं कराने जा रहा हूं, वो रीडिंग करा रहा हूं, जो अगला पेज नंबर हो जाएगा पेज नंबर 63. ठीक है, पेज नंबर 63 बच्चों क्या है, वो है आपका, अब पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस वेयर पुलिस वर्क. पुलिस स्टेशन क्या होता है, तो पुलिस स्टेशन एक ऐसा जगह होता है जहां पे पुलिस क्या करते हैं, कार्यों को करते हैं. कौन से कार्यों को करते हैं, तो थिप्स को, रॉबरी को अरेस्ट करते हैं, या कोई आपस में क्वारल्स करने, झगड़े करने, तो जो उसमें दोषी होंगे, गिल्टी होंगे, उनको अरेस्ट करते हैं, और हमें थिप्स और चोरों से, चोरों डकैतों से क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. दे कीप अस सेफ, हमें सुरक्षित करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थिप्स एंड रोबर्स, वे क्या करते हैं हमें, तो वे हमें डाकू से, चोरों से बचाते हैं. नेक्स्ट, दे अरेस्ट एंड पनिश देम, और उन्हें पकड़ते हैं. मान लो कि चोर वगैरह, डाकू वगैरह हो, तो उन्हें ये क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उन्हें क्या कर देते हैं, अरेस्ट मतलब कैदी बना लेना, उनको पकड़ के ले जाके जेल में डाल देना. अगर बाय द वे आपको पुलिस की जरूरत पड़ जाए कभी, तो इसमें दिया हुआ टोल फ्री नंबर है, इस पे एक भी कष्ट नहीं लगते हैं, और ऐसे भी आज मॉडर्न एरा में सारे मोबाइल को क्या किया जा रहा है, फ्री करा लिया जा रहा है. मंथली एमबी डाला रहा है और मोबाइल को क्या किया जा रहा है, फ्री करा लिया जा रहा है. होना नहीं ऐसा, तो ये क्या करते हैं, टू कॉल द पुलिस डायल. अगर आपको पुलिस को कॉलिंग करने होंगे तो आप कितने डायल कर सकते हो, 100 डायल कर सकते हो. क्लियर? और 100 डायल करके आप उन्हें क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, अगला है बैंक. नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग बात करेंगे, जो बैंक के बारे में बात करेंगे, बैंक क्या होता है. बैंक इज ऑल्सो अ यूजफुल प्लेस इन आवर नेबरहुड. अगला, मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में जब पढ़ाया था, तो आप लोगों को ये जरूर बताया था कि आप लोगों को कभी भी घर बनवाने की जरूरत पड़े, या आप लोगों को कहीं अपने सेंटर्स बनाने की जरूरत पड़े, आवास बनाने की जरूरत पड़े, तो आप वैसे जगहों को चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, जहां पे क्या हो बच्चों, तो जहां पे सारी चीज उपलब्ध हो, जितने प्राइमरी नीड्स हैं हमारे, जरूरत, पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, रेलवे स्टेशन हो, वाले एक्सेप्शन, यानी जहां पे सारी व्यवस्थाएं हो, प्राइमरी जो आपकी नीड्स है
वो वहीं पे आपको रहने के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। अन्यथा मान लो पुलिस स्टेशन ना हो आसपास में, तो पता चले कि आपको रॉबरी वगैरह आएंगे और पकड़ के लेके चुरा कर सामान आपके चले जाएंगे, मार कर आपको चले जाएंगे। इसलिए वैसे जगह को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे हमारी क्या हो, प्राइमरी थिंग्स हो, वस्तु हो, ठीक है, प्राइमरी प्लेसेस हो, हमारी जरूरत की जगह हो वहाँ। जैसे अगला बात करते हैं हम लोग बैंक के बारे में। क्या बैंक हम लोग के लिए जरूरतमंद नहीं है? बिल्कुल जरूरतमंद है, क्योंकि बैंक जो होते हैं हमारे पैसे को, प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं उसमें जमा करके हम लोग रखते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, पैसे जो होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। मे बी अब घर छोड़ के कहीं चले जाओ, पता चले कि लुटेरे वगैरह हैं, या पैसे लेकर जा रहे हो कहीं, पता नहीं लुटेरे वगैरह आए और आपसे छीन कर लेकर चले जाए, तो इसलिए अपने पैसों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो बैंक में रख के जमा करके, ठीक है। तो बैंक इज ए प्लेस, बैंक इज ऑल्सो ए यूजफुल प्लेस इन आवर नेबरहुड। बैंक जो होता है हमारे पड़ोस का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण क्या होता है, जगह होता है। वी कैन डिपोजिट एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, वी कैन डिपोजिट एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। हम लोग बैंक से क्या करते हैं, तो बैंक में बाबू पैसे जमा करते हैं या तो बैंक से पैसे निकालते हैं। क्या बैंक में दूसरा भी कोई काम है हमें? नहीं, बैंक से क्या करते हैं हम लोग, पैसे जमा करते हैं या तो पैसे निकालते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वहाँ पे आपको लोन भी दिए जाते हैं, वही पैसा निकालना या जमा करना बात तो वही है, लोन लो जिसका मतलब पैसे निकाल रहे हो, तो ये सारे कुछ। वी कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी यूजिंग आवर ATM कार्ड एनीवेयर इन द कंट्री। मान लीजिए कि आज वो मॉडर्न एरा में पॉपुलेशन क्या हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं तो पैसे में जब बैंक में जाइएगा तो काफी भीड़ भाड़ रहेगा, और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो एक ऐसा ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो आया है मॉडर्न एरा में कि बैंक एक कार्ड प्रोवाइड कर रहा है जिसको ATM कार्ड कहते हैं, और उस कार्ड के थ्रू कहीं भी ATM से आप क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। बैंक में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, भीड़ भाड़ जगह बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। पहले पैसे जरूरत पड़े तो हम बैंक जाएंगे, बैंक में भीड़ भाड़ होंगे, अभी जरूरत की काम है तो हमारे पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए आप ATM होगा ATM कार्ड, आप कहीं भी ATM कार्ड से अपने देश के अंदर किसी भी ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, वो क्यों ना किसी बैंक का हो। अगला, बैंक ऑल्सो इशू क्रेडिट कार्ड, वी कैन यूज अ क्रेडिट कार्ड टू बाई थिंग्स। एक और चीज मैं उससे पहले मैं बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ATM कार्ड ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट्स है कि सपोज करो कि आपका सेंट्रल बैंक में अगर क्या आपका खाता अकाउंट है, और सेंट्रल बैंक में अकाउंट है वो भी आपके गांव का सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, तो आप चले जाओ UP में, दिल्ली में चले जाओ, मतलब अदर कंट्री अदर स्टेट्स में चले जाओ, और अदर स्टेट्स में जाकर ATM से पैसे निकालो, सॉरी बैंक से पैसे निकालो। सेंट्रल बैंक का है तो आप मान लो बिहार में सेंट्रल बैंक का है तो आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में चले जाओ, और वहाँ सेंट्रल बैंक में जो गया था बोलो कि मेरे पैसे इतने दे दो, क्या वो बैंक आपको पैसा देगी? नहीं देगी, बोलेगी जाइए आपका जिस ब्रांच में खाता है आप उस ब्रांच से पैसे निकाल करना है, क्योंकि उसी ब्रांच में आप पैसे निकाल सकते हैं। जिस ब्रांच में मान लो सेंट्रल बैंक का आपका घर, आपको मान लो सपोज करो मेरा घर जामो है, ठीक है, अगर मेरा घर जामो है तो जामो के सेंट्रल बैंक में जो पैसे होंगे वो पैसे हम सिर्फ जामो के बैंक से ही निकाल सकते हैं। अगर हम जाएंगे दूसरी जगह या आपके गांव में हम आ गए सिवान, आ गए गोपालगंज, आ गए तो गोपालगंज आकर बोले क्या कि सेंट्रल बैंक वाले के पास गए बोले मेरा पैसा दे दीजिए भैया एकदम, तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा। जिस बैंक में खाता होगा जहां पे होगा उसी बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इसी को कठिनाई को दूर करने के लिए क्या किया गया है, ATM का निर्माण किया गया। तो ATM जो है बाबू, ATM क्या किया गया, उसका मान लिया मॉडर्न एरा में ATM मैन्युफैक्चर किया गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो आपका कहीं भी पैसा क्यों ना, जैसे मान लीजिए मेरा जामुन में ब्रांच में पैसा है और मैं गोपालगंज जाऊं और बोलूं कि आप मुझे पैसा दे दो, ATM लगाऊंगा और ATM कार्ड से क्या करूंगा, ATM से पैसे निकालूंगा। तो ATM कार्ड में ऐसा कुछ इशू नहीं है, आपका किसी बैंक में खाता हो, किसी बैंक का ATM कार्ड हो, सॉरी किसी बैंक का ATM कार्ड भी हो, खाता हो ATM कार्ड डजंट मैटर, किसी बैंक का ATM कार्ड हो, किसी बैंक का खाता हो, आप किसी भी ATM कार्ड से क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, हुआ ना कटना ही कर दो। तो ये ATM कार्ड से क्या है, बहुत सारे फायदे हैं।
नेक्स्ट अब क्रेडिट कार्ड का बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड बैंक ऑल्सो इशू क्रेडिट कार्ड, वी कैन यूज अ क्रेडिट कार्ड टू बाय थिंग्स। क्रेडिट कार्ड जो होता है बच्चों ये साख होता है, एक प्रकार का साख का कार्ड होता है। जैसे साख क्या, मान लो कि किसी दुकान से कोई सामान ले रहे हो और उसको बोलो भैया हम कल पैसा आपको देंगे, बाकी समझते हो ना, बाकी लगाना उधार लगाना, तो उससे बोलो भैया मैं कल आपको पैसा दे दूं या अंकल मैं कल आपको पैसा दूं। तो अगर आपका उनके साथ क्रेडिट है, साख है, वो आप पे बिलीव करते हो कि ये नेक्स्ट डे आकर पैसा दे देंगे तो आपको बाकी वो दे देंगे, ठीक है जाइए आप कल दे दीजिएगा पैसे। लेकिन अगर आपको वो नहीं जानते हो तो आपको वो क्या बाकी देंगे, नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं आप पहले पैसा लो तब वो देंगे। तो क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसा कार्ड है, साख वाला कार्ड है, ये बिलीव वाले कार्ड है, बिलीव सिस्टम्स के कार्ड्स हैं कि क्रेडिट कार्ड से कोई भी सामान कहीं से भी क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, आपके अकाउंट से पैसे इशू हो जाएंगे और फिर आप अकाउंट्स में जमा कर सकते हो पैसे अपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे बच्चे, रेलवे स्टेशन क्या होता है। रेलवे स्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, रेल चलते हैं, ट्रेन चलते हैं रेल के, ठीक है, वहां से हम लोग वन प्लेस टू अदर प्लेस जाते हैं। और रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल बोर्ड और ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रेलवे स्टेशन ऐसा जगह है जहां पे लोग बोर्ड करते हैं, रेलवे पे बैठते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ट्रेन ऑल्सो कैरी गुड्स। ट्रेन जो होते हैं बच्चों वो साथ साथ सिर्फ लोगों को ही नहीं ढोते हैं, गुड्स को भी ढोते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट डे वो मिलेंगे फायर स्टेशन के साथ। आज हम लोगों ने टॉपिक देखा पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक, टॉपिक नाम देख लेते हैं। जैसे आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को रीड किया, वो किया पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट टॉपिक्स किया पुलिस स्टेशन, अगला टॉपिक हम लोग देखें बैंक, और लास्ट टॉपिक देखें हम लोग रेलवे स्टेशन, ठीक है बच्चों। तो ये फोर पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ये फोर पॉइंट्स यानी फोर टॉपिक्स को थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स क्या करने हैं बच्चों, रीड करने। और रीड करने के बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलेंगे आप लोग से, जो होगा अगला टॉपिक हमारा फायर स्टेशन, फायर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले डे यानी डे 41 में।